गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक टीआरओ बनाने का तरीका मैं दिखाऊंगा। एक्चुअली टीआरओ का कोई वीडियो अभी तक यूट्यूब में नहीं आया। ये पहले दफ़ा जो टीआरओ का वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत मैं 2 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये बनाने का। इसको 2 चीज़ बहुत बढ़िया और असली चीज़ होना चाहिए, फ्यूरिक एसिड मिलाना चाहिए, उसके बाद उसके साथ सॉल्ट, पानी के साथ सॉल्ट मिला के सोडियम क्लोराइड मिला के उसको मिलाना चाहिए, उसके बाद थोड़ा पानी डालना चाहिए, उसके बाद कॉस्टिक सोडा लाई देना चाहिए और फिनिशिंग करना चाहिए आपको टी केमिकल से। तो आपको ज़रूरत होगा लिख लीजिए, कैस्टर ऑयल 250 ग्राम, कैस्टर ऑयल मैं ले लिया 250 ग्राम, और इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड डाल लिया 20 ग्राम। इसको बहुत संभाल के हैंडल करना है। देखिए वो एकदम ग्लव्स पहन के, चश्मा पहन के करना है, क्योंकि ये जहाँ पर लगेगा वो आपको खतरनाक बन जाएगा। तो इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता कैस्टर ऑयल के साथ ये घुलाना है, और सॉल्ट 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम लोग खाते हैं वो नमक 10 ग्राम चाहिए। 10 ग्राम के साथ 50 ग्राम पानी के साथ ये 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला के रखना चाहिए। ये थोड़ा मिला दीजिए, और कॉस्टिक सोडा 27 ml, 27 ग्राम कॉस्टिक सोडा के साथ 50 ग्राम पानी मिलाइए। ये गर्म हो जाएगा, थोड़ा बना के ठंडा करके रखिए। हम लोग ठंडा करके रख दिया, मगर इसको 2 जगह में रखना है। एक जगह में 40 ml रहेगा और दूसरा जगह में 10 ml रहेगा। ये फिनिशिंग के लिए ये 10 ml काम के आएगा। और आपको चाहिए 10 ग्राम टी केमिकल। ये 5 सामान आपको चाहिए, कैस्टर ऑयल, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट, सोडा लाई, टी केमिकल। तो अभी हम लोग टीआरओ बनाने के लिए तैयार। ये 90% ग्रेड का केमिकल टीआरओ बनेगा, 90% ग्रेड का सबसे बढ़िया टीआरओ। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वीडियो में उससे कोई लुका छुपी नहीं होता है। जो हमारा नॉलेज में है वो डाल देता हूँ। कुछ ट्रेनिंग के लिए रख दूँगा, क्या कुछ पैसा करने के लिए, आपसे पैसा लेने के लिए करूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है हमारा। क्योंकि हम लोग वॉलेंटियर है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम लोग सब सेवा देते हैं। तो इसके लिए ये भी एक सेवा है, आप सीख के कुछ करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग खूब हैप्पी होंगे। तो इसके लिए मैं इसके लिए आप लोगों को वीडियो में कोई लाइक देने के भी नहीं बोलता हूँ। आप लोग देना है दे दीजिए, नहीं देना है तो कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग ये जो डालना है ना, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता से डालना है। ले लो, यहाँ पर ले लो। देखिए थोड़ा थोड़ा एकदम एक साथ डाल देंगे तो पूरा काला हो जाएगा। इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। वो देखिए काला होते चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डालिए और ये हीट हो जाएगा। ये एक्चुअली ये ग्लास बीकर में होना नहीं चाहिए, इसको डालने के लिए आपको प्लास्टिक मग में करना चाहिए, क्योंकि ये जब गर्म हो जाएगा तो ग्लास टूट जाएगा। बहुत आहिस्ते से करेंगे तो ये मिलाने में आपको आधा घंटा टाइम लगेगा। तो आप देखिए कलर चेंज होते जा रहा है, थोड़ा बाद में ये सब मिला ले आरो, ये गाढ़ा हो जाएगा। ये ऑयल कैस्टर ऑयल थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसको कलर भी चेंज हो जाएगा।
हीट भी जेनरेट करेगा। ये मिलाने के बाद हम लोग नमक डालेंगे। तो आप ऐसा मिला लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड कैस्टर ऑयल के साथ। देखिए कितना गाढ़ा हो गया, कलर भी काला हो गया, थोड़ा गर्म हो जा सकता है। इसके लिए आप एक बाल्टी में थोड़ा पानी बर्फ लेके उसके साथ भी कर सकते हैं, उसमें कोई गर्म नहीं होगा, बिकार फटने का चांस भी नहीं रहेगा। तो अभी इसके बाद हम लोग डालेंगे ये जो नमक पानी से घुला हुआ 20 ग्राम, 10 ग्राम नमक, 50 ग्राम पानी, ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाएंगे। हर चीज़ हड़बड़ाइए मत, स्लोली आपको करना है। अब ये पानी में हम लोग नमक का साथ जो पानी मिला हुआ है 10 ml, 10 ग्राम नमक और 50 ml पानी, वो मिला के इसके साथ डाल दीजिए। कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, देखिए कलर थोड़ा ब्राउन कलर का हो गया, थोड़ा ब्राउनिश, वाइट ब्राउनिश, एक गोल्डन कलर हो गया। अभी ये गोल्डन कलर होने के बाद थोड़ा मिक्स कीजिए, देखिए कलर एकदम गोल्डन सा कलर हो गया। इसके बाद हम लोग ये जो पानी है 500 ml पानी डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालते जाइए। हमारा साथ पूर्णिमा आए हुए है। पूर्णिमा का घर कहाँ है? आगरपाड़ा से। ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, फिनाइल, हार्पिक, डिश वॉश, हैंड वॉश, ये सब बना रही है। थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हमारा ये हम अरब गोसंदान में आया है, आई है। तो ये टीआरओ भी उसको काम पे आएगी। अभी पूरा पानी डाल दिया, पूरा अभी ऐसे ऐसे घुले, जितना घुलट पूरा मिलाना चाहिए। मिलाने के बाद वो फिर कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ये जो 27 ग्राम कॉस्टिक सोडा 50 ग्राम पानी में मिला हुआ है, ये कॉस्टिक सोडा लाई दो जगह में रख दिया, एक 10 ml एक अलग से रख दिया और ये 40 ml। अभी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके ये डालेंगे। देखिए सल्फोनेटेड बल ट्रेनिंग আছে, একটু পরে কথা বলবো। হ্যালো, আবি দেখিয়ে কস্টিক সোডা লাই इसके साथ मिला रहा हूं। আস্তে আস্তে মিলাইয়ে, फिर गाढ़ा होते जा रहा है। देखिए फिर गोल्डन कलर हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर गोल्डन कलर। सल्फोनेटेड कैस्टर ऑयल मीन्स
कैस्टर ऑयल को आपको जो कैस्टर ऑयल मैं पहले डाल दिया वो कैस्टर ऑयल वापस लाना है। एक्चुअली ये प्रोसेस्ड होने के बाद ये कैस्टर ऑयल ऐसा बन जाएगा जो पानी में मिल सके। सल्फोनेटेड कैस्टर ऑयल TRO का मतलब, टर्की रेड ऑयल का मतलब ऐसा है, जो सल्फो कैस्टर ऑयल हम लोग पहले डाल दिया वो पानी में मिलाने का लायक नहीं था। अभी हम लोग ये सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा, टी केमिकल, ये सब देने के बाद वो फिर हम लोगों को पास ये प्रोसेस के बाद वो फिर कैस्टर ऑयल वापस आएगा। जो वापस आएगा वो एक्चुअली सल्फोनेटेड कैस्टर ऑयल, जो कैस्टर ऑयल पानी में मिल सकता है। अब ये थोड़ा घुलटना चाहिए, 10 मिनट तक ये मिक्स करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट तक मिक्स करना चाहिए। अभी जो हम लोग कैस्टर ऑयल दिया था वो ऊपर में आने का काम शुरू हो गया। तो अभी हम लोग क्या डालेंगे, अभी हम लोग डालेंगे टी केमिकल, ट्राई इथानोलामाइन। टी केमिकल बोल के बाजार में मिलता है, आपको टी केमिकल 10 ml देना है। ये भी ऐसा मिलाने के टाइम देना शुरू कीजिए, मिलाइए पूरा 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 मिलाइए। ऐसा ऐसा हम लोग टी केमिकल डालेंगे। तो क्या है, टी केमिकल में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसको जो ऑयल आ जाएगा ऑयल कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल आएगा, इसको सेपरेशन में हेल्प करता है टी केमिकल। ट्राई इथानोलामाइन टी केमिकल, तो मैं 10 ml टी केमिकल डाल दिया, अभी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और ये टी केमिकल डालने के बाद आप फिनिशिंग टच क्या करना है, हम लोग 10 ml 10 ml सोडा लाई रख दिया, ये थोड़ा मिलाना चाहिए। मिलाने के बाद फिर हम लोग ये जो 10 ml सोडा लाई रख दिया वो रख दीजिए। सोचिए ये जो हुआ है, हम लोग 250 ग्राम कैस्टर ऑयल दिया था, तो आपको पास वापस आएगा करीब 300 ग्राम TRO, 300 ग्राम TRO आपको मिलेगा। ऐसे हिसाब करके आप दीजिए और बनाइए TRO, ये आपको 90% ग्रेड का TRO होगा, खुद के लिए होगा और आप फिनाइल में यूज़ कर सकते हैं। ये फिनाइल में यूज़ करना अच्छा होगा, जो लोग ज़्यादा TRO यूज़ करते हैं उसके लिए खुद बनाना TRO अच्छा ही होगा और उसमें दूसरा कोई मिलावट नहीं रहेगा। देखिए अभी मैं वो जो सोडा लाई है वो आहिस्ता आहिस्ता दे रहा हूँ। ऐसा करके आपको कम से कम छोड़ के रखना है कम से कम 5 से 7 घंटा तक। एक दिन छोड़ के रखिए, नेक्स्ट डे में क्या होगा वो दिखा रहा हूं। अभी देखिए वो ऊपर में दूसरा कलर आ गया, अभी ब्राउन का थोड़ा सा गोल्डन कलर हो गया। और फिर आपको TRO कैसे बन जाएगा 2-3 घंटा बाद में ही आप देख पाएंगे। ये देखिए एक दिन के बाद 8-10 घंटा बाद ही आपको ऐसा पानी नीचे में आ जाएगा, ऊपर में आपको कैस्टर ऑयल TRO बन के ऊपर में आ जाएगा। आपको ऐसा ऐसा ये TRO डाल लेना है, ये TRO तैयार, रेडी फॉर यूज़।
आप नीचे से पानी निकाल दीजिए, नीचे से नहीं तो ऊपर से वो खींच के ले लीजिए और नीचे में पानी रहेगा। बाजार से जो पानी आप लोग टीआरओ खरीदते हैं उसको नीचे में पानी रह जाता है, इसके लिए वो 15-20 दिन का बाद बदबू आता है और ये पानी टीआरओ को साथ मिलाने वाला होगा तो आपको फिनाइल अच्छा नहीं बनेगा। कोई कोई बोलता है, कंप्लेन करता है, मैं बनाया पहले बनाया टीआरओ लेके, वो टीआरओ अच्छा था मगर अभी फिर जब बनाया वो फिनाइल कट गया, कटेगा क्योंकि इसमें तो नमक डाला हुआ है, वो जो पानी के अंदर नमक है वो पानी के अंदर नमक रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसी के लिए आपको ये पानी अच्छा से निकलना चाहिए। और दोस्तों हमारा जो फिनाइल है, फिनाइल का जो दूसरा सब वीडियो है इसका पूरा लिंक मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप मेरा जो कास्टिक सोडा देके एक फिनाइल का वीडियो है वो यूज़ मत कीजिए, थोड़ा उसमें दिक्कत आता है, वो 3 महीना के बाद थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। और जो दूसरा वाला है वीडियो वाइट फिनाइल का वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हमारा दोस्तों ने रिक्वेस्ट कर रहा है फिर एक परफ्यूम ऑफलाइन परफ्यूम ट्रेनिंग के लिए, तो ऑफलाइन परफ्यूम ट्रेनिंग फिर होगा, ये आरोग्य संदन सोनारपुर में ही होगा। इसको टाइमिंग है 15 और 16, 15 तारीख संडे है, 15 में 16 बुध पूर्णिमा है, ये 2 दिन ये ट्रेनिंग होगा। कम से कम 8-16 घंटे के लिए क्लास होगा और 50 केमिकल का किट रहेगा, उसके साथ एक फॉर्मूले का बुक भी रहेगा और हमारा बना हुआ एक बुक भी रहेगा और थोड़ा जो है ये सब दूंगा। तो जो ये परफ्यूम ट्रेनिंग के लिए बुक करना चाहते हैं वो 9331031650 में आप व्हाट्सएप कीजिए। और ये टीआरओ के लिए और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए और मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो फिर बोल रहा हूँ टीआरओ का वीडियो ये पहला है और कोई नहीं टीआरओ का वीडियो डाला है आज तक, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत सारा बहुत कोशिश करके हम लोग लिया है। मिस्टर रविकांत जाजोदिया बोल के एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका फैक्ट्री में जाके मैं ये 2 दिन ये टीआरओ का ट्रेनिंग लिया 2-3 साल पहले। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस किया, करने के बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस जब हुआ, जो नहीं मैं जब सिखाऊंगा दूसरों लोग सीख सकते हैं तभी ये टीआरओ का वीडियो बनाया। थैंक यू फ्रेंड, आप जो बोलना है व्हाट्सएप में बोल सकते हैं और कमेंट बॉक्स से जाके बोल सकते हैं। धन्यवाद।